नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसवी संजय में। तो बलदृष्टि की ये आठवीं क्लास है, इसमें अपन नेपोलियन के बारे में जानेंगे, जो फ्रांस की क्रांति में चौथे चरण में एक तानाशाह और साम्राज्यवादी शासक के रूप में नेपोलियन नाम लिया जाता है। इसका राजनीतिक समय काल 1799 से 1814 तक, लगभग 15 साल इसने फ्रांस पर राज किया। नेपोलियन विश्व के महान शासकों में माना जाता है। इसने लगभग 40 युद्धों को जीता है और इसके बहुत सारे जो अपन सुधार हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इसके महान शासक बनाते हैं। और विश्व इतिहास में नेपोलियन का नाम महत्वपूर्ण स्थान है, या नेपोलियन का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो आपको पहली बात याद रखना है कि नेपोलियन का संबंध किससे है, फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति में उसका शासन काल कब है, 1799 से 1814 तक, लगभग 15 साल को फ्रांस पर एक प्रकार से, पहले वो संवैधानिक तौर पर एक व्यक्ति के मतलब संवैधानिक तौर पर शासन करने आता है, फिर बाद में वहां का स्वयं को सम्राट घोषित कर लेता है। तो अपन नेपोलियन का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं पहले। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 में, है ना, गांधी जी से 100 साल पहले। याद रखने के लिए, गांधी से 100 साल पहले किसका, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था, है ना। तो एक फ्रांस का एक द्वीप है भूमध्य सागर में, कॉर्सिका, है ना, कौन सा, कॉर्सिका द्वीप। कॉर्सिका द्वीप में एक एजोसिया नगर था, है ना, एजोसिया नगर वहां पे हुआ था। देखो कॉर्सिका द्वीप, कॉर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में, जिस पर किसका अधिपत्य है, फ्रांस का अधिपत्य है। तो वहां पर जो एजोसिया नगर था, वहां पर 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। और जो नेपोलियन की, नेपोलियन ने क्या है, नेपोलियन के पिता ने उसको जो शिक्षा प्रदान कराई थी, वो एक सैनिक स्कूल में पढ़ा था। किस स्कूल में, सैनिक स्कूल, है ना। और आगे चलकर वो सेना में भर्ती होता है। जब फ्रांस में क्रांति चल रही होती है 1789 में, तो वो सेना में भर्ती होता है और सेना में धीरे धीरे अपने काम को अच्छा करते हुए पदोन्नति पाके वो एक फ्रांस का सर्वोच्च शासक 1799 बन जाता है। मतलब एक छोटे से सैनिक से वो सम्राट के पद तक पहुंचता है। इसी के आधार पर उसकी जो दूरदर्शिता है, जो उसकी सैन्य क्षमता है, जो उसका मस्तिष्क है, जो उसके विचार हैं, मतलब कि जो उसकी दृढ़ शक्ति है, जिसके आधार पर उसने फ्रांस पर राज किया, इसीलिए वह एक विश्व इतिहास में महान व्यक्तित्व बन जाता है। मतलब नेपोलियन महान इसलिए है कि वो छोटे से सैनिक से फ्रांस का एक सम्राट बना, उसने फ्रांस को सम्मान दिलाया, है ना। देखो उसने राजा मतलब कि तानाशाह के रूप में शासन किया, लेकिन उसने कई कार्य ऐसे कर दिए जो उसको महान बनाते हैं और नेपोलियन को विश्व इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जिसे लोग याद करते हैं, उसकी कार महान बनाते हैं, ना कि उसके युद्ध। तो अपन इसका परिचय देख लिया। और देखो उसने जो अपन दार्शनिकों नाम पढ़े थे, देखो इसने वोल्टेयर के बारे में ही पढ़ा था, वोल्टेयर, इसने रूसो के बारे में पढ़ा था इतिहास, मतलब कि एक प्रकार से ये शिक्षित व्यक्ति था, जियोग्राफी भी पढ़ी थी, इसने इतिहास भी पढ़ा था और ये जानता था। और फ्रांस की क्रांति को उसने शुरू से सैनिक के तौर पर ऑब्जर्व किया था। आपको पता है कि सैनिक क्या कर रहे थे, जब वहां दंगे हो रहे थे, जब वहां दिक्कतें हो रही थी, तो बीच जनता में जाके सैनिक बचाव कर रहे थे। तो सैनिकों को ज्यादा पता रहता है युद्ध में क्या चल रहा रहता है। तो इसने 1789 से लेके लगभग 10 वर्ष इसने क्रांति को ऑब्जर्व किया था। बाद में क्रांति से जो समस्या उत्पन्न हुई, तो इसने धीरे धीरे अपने आप को पदोन्नति पाते पाते फ्रांस का सम्राट बना लिया। यही नेपोलियन की महानता है, यही नेपोलियन की खासियत है। अब उदय की कारण की बात करें कि नेपोलियन का उदय, मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिसके कारण नेपोलियन को सत्ता मिली या नेपोलियन शासक बना फ्रांस का। देखो कुछ ना कुछ ऐसे कारण तो रहे होंगे। तो देखो सबसे बड़ा कारण था कि क्रांति से पहली अव्यवस्था, है ना, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था। देखो अपन ने जब पढ़ा था, अपन ने फ्रांस की क्रांति के पिछले वीडियो में पढ़ा है कि देखो 1789 में क्रांति हो जाती है, तो 3 वर्ष तक क्या रहता है कि संवैधानिक राजतंत्र, फिर उग्र गणतंत्रवाद के चरण, फिर उदार डायरेक्टरी का शासन। तो इन सब में क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है। देखो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, दंगे, गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब अव्यवस्थाएं थी। मतलब फ्रांस के लोगों ने
समानता के लिए क्रांति की थी, अच्छे जीवन के लिए क्रांति की थी, राजसत्ता को समाप्त करने के लिए क्रांति की थी, लेकिन वहां पर क्या बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, दंगे बढ़ गए, गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध में, फ्रांस युद्ध में फंस गया। तो इन सारी समस्याओं में एक नायक के रूप में जब नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस की गद्दी संभाली और उसको युद्धों को आधार पर मजबूती प्रदान की, युद्ध जीत जीत के मजबूती प्रदान की और जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो युद्धों से प्राप्त की, मतलब नेपोलियन क्या करता था, जहां युद्ध लड़ता था उसमें जो खर्च हुआ वहां इसे प्राप्त करता था। मान लो उसने ऑस्ट्रिया में युद्ध लड़ा तो धन ऑस्ट्रिया से प्राप्त किया, मान लो उसने इटली में युद्ध लड़ा, उस समय इटली नहीं था, प्रसा और भी जैसे पीटमोंट साइड ने ये नाम दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिया इंग्लैंड आदि, जब जहां भी युद्ध लड़ता था वहां से क्या करता था, धन की प्राप्ति करता था। तो गरीबी बेरोजगारी है ना, और अपनी शक्ति के आधार पर चीजों को स्थापित किया, तो इसने इन अव्यवस्थाओं को कंट्रोल में किया, इसीलिए फ्रांस की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है ना। तो ये जो फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्थाएं थी इसने नेपोलियन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखो नेपोलियन शासक कैसे बनता है, तो शासक बनने में क्या है, उसने सबसे पहले संवैधानिक सुधार किए है ना, संवैधानिक सुधार किए और जो डायरेक्टरी के शासन था, जो डायरेक्टरी का शासन था उसकी अव्यवस्थाओं को समाप्त किया, उसकी अव्यवस्थाओं को क्या किया, अव्यवस्थाओं को उसने समाप्त कर दिया और 1799 में उसने काउंसिल गठित की, जो संविधान में बढ़ी काउंसिल है इसमें तीन सदस्य थे काउंसिल में, और प्रथम काउंसिल कौन बना, नेपोलियन। मतलब कि 1799 में पहले वो वापस लौटता है ना, तो वो क्या करता है कि 1799 में उन डायरेक्टरों की, इन डायरेक्टरी जो पांच डायरेक्टर थे इनको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और सत्ता के लिए तीन सदस्यीय काउंसिल की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रथम काउंसिल नेपोलियन बनता है। प्रथम काउंसिल कौन बनता है, नेपोलियन, मतलब कि फ्रांस का प्रमुख व्यक्ति नेपोलियन 1799 में बन जाता है, और बाद में वो अनेक सुधार कार्य करता है, अनेक युद्ध लड़ता है और फ्रांस की कीर्ति और स्वयं की कीर्ति या सम्मान को बढ़ाता है। अब अपन जैसे समझने की कोशिश करें कि नेपोलियन का क्रम किस प्रकार से रखा, किस प्रकार से उसने चीजें करी, तो आइए अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अपन ने देख लिया, अब अपन नेपोलियन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी उसकी कहानी क्या है ना, फिर उसके अपन संवैधानिक सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा सुधार, विधि सुधार भी देखेंगे, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है और उसमें प्रमुख कौन से युद्ध लड़े और उसके पतन के कारण भी देखेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि उसमें मतलब नेपोलियन किस किस प्रकार आगे बढ़ा। तो देखो अपन ने ये देखा था कि 1769 में जन्म हुआ है ना, 1789 में वो सेना में शामिल होता है, इसमें सैनिक बनता है, सैनिक के पद पर। लेकिन जब क्या होता है, नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा, सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है ना, सैनिक, और 1700 क्रांति के समय क्रांति होती है, क्रांति के समय क्या बन गया, सैनिक के पद पर। कब, जब फ्रांस में क्रांति, तो जब क्रांति हुई तो नेपोलियन क्या बन गया, सैनिक बन गया। अब सैनिक में क्या हुआ कि उसने जो जो युद्ध हुए उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, युद्ध और साथ में जो दंगे हो रहे थे दंगे में उसने बचाव कार्य किया, दंगों में जो क्रांतिकारी जो थे वो जब दंगे कर रहे थे तो उसने कई लोगों को जो क्रांति के महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक प्रकार से जो संविधान सभा है कन्वेंशन बोला जाता है, एक शब्द आता है कन्वेंशन, इनका बचाव किया था। इनका बचाव जब पेरिस में दंगे हो रहे थे या जब फ्रांस में दंगे हो रहे थे तो नेपोलियन ने वहां पर युद्धों में अच्छी विजय प्राप्त की थी और दंगों में उसने बचाव कार्य किया था, जिससे इसके जो सर्वसेना के सर्वोच्च अधिकारी थे वो प्रभावित हुए थे और उसकी पदोन्नति, उसकी क्या कर दी थी, पदोन्नति कर दी थी, मतलब कि एक प्रकार से उसको प्रमोशन मिल गया था। सैनिक से वो क्या बन गया था, ब्रिगेडियर, क्या बन गया था, ब्रिगेडियर है ना। अब वो क्या करने लगा, अपनी एक सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने लगा, मतलब कि नेपोलियन के अंडर में एक सेना आ गई है ना, ये क्रांति के समय चल रहा है, अब उसके अंडर में क्या आ गई, सेना आ गई। तो अपन ने पढ़ा था जब उसका ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ, है ना, जब प्रसा से युद्ध हुआ है ना, पीटमोंट और सार्डिनिया, ये जगह है यूरोप में, आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे है ना, ऑस्ट्रिया देश है, प्रसा, पीटमोंट, सार्डिनिया जर्मनी और इटली के उनके भाग बन जाते हैं। जब यहां पर युद्ध हुआ तो नेतृत्व किया नेपोलियन ने, क्या प्रदान किया, नेतृत्व प्रदान किया और विजय प्राप्त की है ना। देखो
उसने क्या की, विजय प्राप्त की। मतलब पहले उसने बचाव कार्य किया और युद्ध में भाग लिया तो उसको पदोन्नति मिली, बाद में उसने ऑस्ट्रिया प्रसा पीडमोंट साइड ने इसमें नेतृत्व किया और जब युद्ध में विजय प्राप्त की तो उस क्या है कि वो जनता में पॉपुलर होने लगा, जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा। मतलब जो फ्रांस की जनता क्रांति से परेशान थी, अवस्थाओं से परेशान थी, दंगों से परेशान थी, उनके सामने एक नायक के रूप में नेपोलियन आ रहा था। क्योंकि जब युद्ध जीतता था तो वो खबर फ्रांस आती थी कि नेपोलियन ने फ्रांस को यहाँ विजय बना दिया, यहाँ विजय बना दिया, तो फ्रांस मतलब कि यहाँ पे लगातार नेपोलियन की क्रांति बढ़ती जा रही थी। तो इसी क्रम में क्या होता है कि 1798 में वो मिस्र के अभियान पे जाता है। किसके? मिस्र के अभियान। अफ्रीका का एक देश है मिस्र, जैसे इजिप्ट भी बोलते हैं, अफ्रीका का एक देश है, भूमध्य सागर के तट पे है, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। तो मिस्र के अभियान पे जाता है 1798 में, और मिस्र के अभियान पे जाता है लेकिन उसको खबर मिलती है कि डायरेक्टरी के शासन में इतनी कमजोर अवस्था हुई, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि अभी सत्ता हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। तो वो मिस्र के अभियान को बीच में छोड़ गए। किसके? मिस्र के अभियान से क्या होता है? वापस आ जाता है। मतलब कि नेपोलियन जो फ्रांस में प्रसिद्ध हो चुका था, वो 1798 में मिस्र या काहिरा के अभियान पे जाता है, वहां पर अभियान शुरू कर देता है, लेकिन वो अचानक से वापस फ्रांस आ जाता है, और जहां पर पेरिस में उसका स्वागत होता है, जनता के द्वारा उसका क्या होता है? स्वागत होता है। क्या होता है? स्वागत होता है। मतलब कि जो जनता दंगों से, युद्ध से, गरीबी से, अव्यवस्था से परेशान थी, वो एक नायक के रूप में पेरिस में जो मिस्र से लौटा नेपोलियन है उसका स्वागत करती है। मतलब कि एक प्रकार से नेपोलियन को जनता स्वीकार करती है। तो इससे क्या होता है? नेपोलियन को और बल मिलता है। तो नेपोलियन यहां पे एक वाक्य कहता है कि अगर मैं थोड़ी पहले आता तो बहुत जल्द हो जाती, अगर मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती, मैं सही समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुकी है। उसने अपने इस स्वागत को और अपने समय पर मतलब फ्रांस को अपने मतलब फ्रांस में सत्ता स्थापित करने को या सत्ता अपने हाथ में लेने के समय को बोला कि अब नाशपाती पक चुकी है। ये बात जब आप विश्व इतिहास के में पढ़ते हैं तो आपको कई बार सुनने मिलता है। तो उसने क्या कहा, एक बार और सुन लीजिए। उसने कहा कि अगर मैं पहले आता तो बहुत जल्दी हो जाती, बाद में आता तो बहुत देर हो जाती, मैं सही समय पर आया हूं, नाशपाती पक चुकी। मतलब कि नाशपाती पक चुकी, नाशपाती पक चुकी है। इससे तात्पर्य, नेपोलियन का तात्पर्य था कि सत्ता प्राप्ति का उचित अवसर है, सत्ता प्राप्ति का उचित अवसर है। इसी को उसने कहा कि नाशपाती पक चुकी है। आपसे पूछा जाए कि नाशपाती पक चुकी है से नेपोलियन का क्या तात्पर्य था, तो आपको याद रखना है कि उन परिस्थितियों की बात करता है कि जो डायरेक्टरेट का शासन था, जो क्रांति का समय था, जो फ्रांस की उस समय स्थिति थी वो इतनी दुर्लभ थी, इतनी परेशान वाली थी, कि उसने एक नायक को जो युद्धों में विजय प्राप्त करके बचाव कार्य करके एक नायक के रूप में उभर रहा था, उसको स्वीकार किया, उसका स्वागत किया। तो इसी को उसने कहता है नाशपाती पक चुकी है। अतः सत्ता प्राप्ति का उचित अवसर नेपोलियन को 1798 प्राप्त हुआ, और उसने फिर क्या किया, संवैधानिक सुधार किए, काउंसिल के प्रथम सदस्य के रूप में सामने आया और फ्रांस की क्या है, सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो 1799 में फ्रांस की सत्ता किसके पास आ जाती है? नेपोलियन के पास। किसके पास? नेपोलियन के पास। पहले वो संविधान के आधार पर रहता है और 1804 में स्वयं को क्या कर देता है? सम्राट घोषित। क्या कर देता है? मतलब कि पहले वो संविधान के आधार पर 5 साल शासन करता है, लेकिन 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित करता है। मतलब कि वो क्रांति जिसके लिए शुरू हुई थी कि राज सत्ता को समाप्त किया जाएगा, पुनः वो राज सत्ता को स्थापित कर देता है। इसीलिए कहीं कहीं उसको क्रांति का हंता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रांति का हंता, या क्रांति की खत्म करने वाला, क्रांति का कत्ल करने वाला। ये जब आप इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सब जब आप चीजों को ध्यान देंगे, मतलब कि फ्रांस की जनता ने 1799 में सोचा कि वो राजतंत्र को समाप्त करेंगे, राजा को समाप्त करेंगे और समानता के साथ जीवन जिएंगे। लेकिन इसने फिर से क्या कर दिया, जब राजतंत्र को दोबारा ला दिया तो उसने क्रांति का जो मूल विचार था, जो समानता का विचार था, जो राजतंत्र की समानती समान राजतंत्र की समाप्ति का विचार था, वो फिर से ला दिया। तो इसने जो क्रांति के मूल विचार है उनको समाप्त कर दी, इसलिए इसको क्रांति का अंत कहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे काम है, जब वीडियो के एंड में अपन डिस्कस कर लेंगे कि कौन से काम तो उसको क्रांति का अंत कहते हैं और कौन से काम, क्योंकि जब उसने यहाँ पे जब वो सैनिक जब क्रांतियों की इन समस्याओं से जब उस सैनिक पे पदवी मिली, दंगों बचाव
पदोन्नति मिली, ये सब एक सब क्रांतिकारण हुई, तो इसे क्रांति का शिशु भी कहा जाता है, क्रांति का शिशु, क्रांति का शिशु है ना। मतलब कि नेपोलियन के बारे में अगर आपको इन दो चीजों इनमें कंफ्यूज हो रहा, क्रांति का शिशु और क्रांति का अंत, एक बात याद रख लो कि नेपोलियन क्रांतियों ने ऐसी परिस्थितियां दी कि नेपोलियन सम्राट बन सका, और नेपोलियन ने ऐसे काम किए कि क्रांति के जो मुख्य वजूद था, मुख्य जो चीजें थी वो ही समाप्त कर दी, मतलब क्रांति को उसने समाप्त कर दी, क्रांति ने ही उसे पैदा किया इसलिए क्रांति का शिशु बोला गया, और उसने क्रांति को समाप्त कर दिया इसलिए क्रांति का हंता बोला गया। ये बहुत सारे इतिहासकार इस टाइप की चीजें प्रयोग करते हैं। और उसने क्या कहा था, जब सत्ता का उचित अवसर प्राप्त हो रहा था तो नाशपाती पक चुकी है। अब अपन देखते हैं, अपन ये कह रहे हैं एक प्रकार से जो नेपोलियन की जर्नी थी, नेपोलियन की यात्रा थी, एक सैनिक से लेके सत्ता प्राप्त करने की 1799 में और सम्राट बनने की 1804 में, इसको अपन ने समझ लिया। अब अपन नेपोलियन के कार्यों को समझ लेते हैं कि उसने कौन कौन से कार्य किए। पहले अपन देख लेते कौन कौन से युद्ध लड़े, उसके बाद उसके कौन कौन से कार्य किए देखेंगे, फिर बाद में उसकी महाद्वीप व्यवस्था, फिर अपन उसके पतन के कारण देखेंगे। आइए देखते हैं उसके मतलब प्रमुख युद्ध कौन कौन से उसने लड़े। तो नेपोलियन के अगर प्रमुख युद्धों की बात करें तो नेपोलियन ने इंग्लैंड से संघर्ष, देखो इंग्लैंड से तो उसका संघर्ष उसके शासन के पहले से, मतलब जब सैनिक था तभी से चलता रहा, और लगभग जब तक वो जीवन समाप्त नहीं होगा तब तक चलता रहा। और इंग्लैंड के विरुद्ध उसने महाद्वीप व्यवस्था को लागू किया था, है ना। ऑस्ट्रिया से युद्ध किया 1805 में, प्रसा से युद्ध किया 1806 में, प्रसा बाद में जर्मनी का भाग बन जाता है, रूस से युद्ध किया 1807 में। इसके अलावा उसने 30-35 युद्ध लड़े, लगभग 40 युद्ध लड़े नेपोलियन ने, कितने युद्ध लड़े थे 40 युद्ध, है ना, 40 युद्ध लड़े थे। तो महाद्वीप व्यवस्था को समझे, तो महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब है इंग्लैंड की नाकाबंदी, इंग्लैंड की नाकाबंदी मतलब कि क्या हुआ कि जब सम्राट बना फ्रांस, नेपोलियन सम्राट बना फ्रांस का, तो उसकी चाहत थी क्योंकि उस सब आपको पता है कि सबसे ज्यादा विश्व में उपनिवेश किसके थे, इंग्लैंड के थे, और वो ये समझ रहा था कि इंग्लैंड को वो शक्ति आर्थिक रूप से हरा नहीं सकता था, युद्ध के माध्यम से इसलिए नहीं हरा पा रहा था क्योंकि ये जो बाकी देश हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रिया प्रसा रूस, इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए, ऑस्ट्रिया प्रसा रूस पेटन एंड सर्टनिया जो भी अलग अलग चीजें थी ये स्थल मार्ग से उससे जोड़ते थे। लेकिन ये क्या था कि अगर आप वर्तमान मैप में देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उत्तर सागर है, मतलब कि एक सागर है समुद्र पार करके, मतलब कि नौसेना की जरूरत होगी तभी आप इंग्लैंड को पराजित कर पाएंगे। इंग्लैंड को पराजित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसका जो समुद्री तटीय क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो उस पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। तो इंग्लैंड की नाकाबंदी करने के लिए इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, है ना, उसको पराजित करने के लिए, है ना। मतलब कि आपसे पूछा जाए महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, तो आप बोले नेपोलियन ने विभिन्न देशों को जीतकर उनसे यह कहा कि आप इंग्लैंड से व्यवहार नहीं रखेंगे और इंग्लैंड की नाकाबंदी की जाएगी, आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा और उसे पराजित किया जाएगा, तब इंग्लैंड हार जाएगा और नेपोलियन यूरोप का या विश्व का सबसे महान शासक बन जाएगा। क्योंकि नेपोलियन ये सोचता था कि जब हम बाकी देशों से जो इंग्लैंड का आयात निर्यात हो रहा है वो रोक देंगे तो वहां पे क्या होगा कि व्यापार ठप पड़ जाएगा, वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि इंग्लैंड को यूरोप से लाभ नहीं होता, इंग्लैंड जो पावरफुल था, इंग्लैंड के पास जो शक्ति थी वो यूरोप से नहीं थी, उसके पास शक्ति थी एशिया के उपनिवेशों से, अफ्रीका के उपनिवेशों से, विश्व की अन्य जगह पर जो उसके उपनिवेश थे वहां से वो आर्थिक लाभ कमा रहा था। ये बात नेपोलियन नहीं समझ पाया, इसीलिए उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। ये क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, और महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन का भी कारण बनती है। किसके पतन का भी कारण बनती है, क्योंकि इंग्लैंड को बिना आर्थिक रूप से मजबूत हुए, क्योंकि फ्रांस उतना आर्थिक मजबूत नहीं था तो इंग्लैंड को टक्कर दे सके, बिना इंग्लैंड के उपनिवेशों को खत्म किए इंग्लैंड को हराया नहीं जा सकता था, बिना शक्तिशाली नौसेना के तहत इंग्लैंड को हराया जा सकता था जो नेपोलियन के पास नहीं थी, इसीलिए इसकी महाद्वीप व्यवस्था फेल हो जाती है और महाद्वीप व्यवस्था ही इसके पतन के कारणों में भी एक प्रमुख कारण मानी जाती है। और इसके
महादिवस का फैल होने का कारण एक और है कि ये इन तीनों से तो कहा कि इंग्लैंड से आप कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, मतलब ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, इनसे तो कह दिया कि आप इंग्लैंड से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, लेकिन ये स्वयं क्या कर रहा था, स्वयं इंग्लैंड से संबंध रख रहा था, स्वयं इंग्लैंड से संबंध रख रहा था, है ना। मतलब एक तरफ इंग्लैंड को बेरोजगार करना चाह रहा था, एक तरफ वो उधर का खुद के लाभ के लिए व्यापार कर रहा था, वहां गेहूं भेज रहा था, मतलब वहां अनाज भेज रहा था, खाद्यान्न की पूर्ति कर रहा था। तो इसका जो विरोधाभासी स्वभाव था कि एक तरफ आप उसको कमजोर करना चाहते हैं, बाकी देशों से उसका संपर्क खत्म कर दिया और अपना संपर्क उससे बनाए हुए है, तो ये जो विरोधाभास की स्थिति है, तो इसी वजह से इंग्लैंड को फायदा मिला और इसकी महाद्वीप व्यवस्था क्या हुई, असफल हो गई। आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है कि इंग्लैंड को पराजित करने के लिए विभिन्न देशों कि आयात निर्यात और इंग्लैंड की समाप्त संबंध समाप्त करने के लिए, इंग्लैंड की नाकाबंदी करने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसने जो व्यवस्था अपनाई उसे महाद्वीप व्यवस्था कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन ने इंग्लैंड के संबंध में ये महाद्वीप व्यवस्था लागू की। तो ये इसके युद्ध थे और ये इसकी महाद्वीप व्यवस्था थी। अब अपन क्या है, नेपोलियन जिस वजह से महान माना जाता है वो उसके क्या है, सुधार, वो उसके क्या है, कार्य। 40 युद्धों के अलावा उसके जो महत्वपूर्ण सुधार और कार्य हैं जो वर्तमान में भी फ्रांस में लागू हैं या वर्तमान में उन लाभों का फायदा फ्रांस में दिखता है, उन सुधारों के बारे में जान लेते हैं। मतलब अपन अब देखते हैं नेपोलियन के सुधार कौन कौन से थे। तो अपन अब क्या करते हैं, नेपोलियन के सुधार देख लेते हैं। तो अपन संवैधानिक या विधि सुधार, आर्थिक सुधार और शिक्षा और धार्मिक सुधार को इन तीन वर्गों में बांट के देख लेते हैं। तो संवैधानिक सुधार, तो सबसे पहले उसने 1799 में संविधान का निर्माण कराया, है ना, संविधान का निर्माण। ये चौथा संविधान था, चौथी बार, मतलब कि फ्रांस में चौथी बार 10 सालों में चौथी बार संविधान का निर्माण किया गया। तो देखो इस संविधान में क्या था, एक तो काउंसिल की व्यवस्था थी जिसके तहत नेपोलियन शासक बना, और साथ में यहाँ पे केंद्रीकरण पे बल दिया गया था। किस पे, केंद्रीकरण पे बल, क्योंकि जो मतलब कि ग्राम स्तर पे या जो प्रांतीय स्तर पे या जिला स्तर पे जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो केंद्र के स्तर पे नियुक्त किए जाते थे। तो इससे फायदा क्या मिलता था कि नेपोलियन अच्छे से सारी चीजों को कंट्रोल कर पाता था। देखो केंद्रीकरण ने क्या किया, फ्रांस को स्थायित्व दिया और वहां पे जो जनता के लिए जो अव्यवस्था फैली थी उसको रोक दिया। इसीलिए लोगों ने फ्रांस जिसको नेपोलियन को स्वीकार कर लिया था, और नेपोलियन की यही सफलता ही मानी जाती है कि उसमें जो फ्रांस में अव्यवस्था चल रही थी उसको उनको कंट्रोल में ले लिया था। मतलब एक प्रकार से तानाशाह था, साम्राज्यवादी था, लेकिन जनता के लिए उसने अच्छे कार्य किए, इसलिए नेपोलियन को जनता याद करती है और उसको महान मानती है। तो संविधान का निर्माण कर दिया जिसके तहत काउंसिल के तहत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बने, केंद्रीकरण के द्वारा। अब विधि सुधार में क्या है, उसके जो विधि सुधार है उसने नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, नेपोलियन कोड और नेपोलियन संहिता का निर्माण किया और फ्रांस के लिए कानून निर्मित किए, फ्रांस के लिए कानून, है ना, और एक समान कानून निर्मित किए, समान कानून। एक प्रकार से उसने फ्रांस के जो विभिन्न, फ्रांस में क्या होता था या प्राचीन समय में हर देश में होता था, ऐसे भारत में भी होता था कि जैसे क्षेत्र बदला और कानून बदल दिए जाते थे, है ना, लेकिन इसने क्या किया, फ्रांस को संपूर्ण एकता में बांधने के लिए इसने एक नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता, मतलब ऐसा दस्तावेज विधि का जो संपूर्ण ऐसे कानून जो लोगों के लिए जरूरी है, लोगों या देश का संचालन होता, उनको कोडिफाई करवाया, एक संहिता में लिपिबद्ध करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया, और फ्रांस के लिए कानून एक समान बनवा, मतलब कि फ्रांस के संपूर्ण क्षेत्र में एक समान कानून लागू होंगे। मतलब कि अगर एक शहर में चोरी के लिए फांसी है तो दूसरे शहर में भी चोरी के लिए फांसी होगी, मतलब अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी उसके लिए जो सजा होगी वो सारी जगह, क्योंकि जब कानून समान रहेंगे तभी तो अच्छे से न्याय हो पाएगा। तो नेपोलियन की एक महत्वपूर्ण सुधार ये रहा कि उसने नेपोलियन कोड बनाया जिससे फ्रांस के लिए एक समान कानून का निर्माण हो सका। साथ में उसने पारिवारिक अनुशासन के लिए कानून बनाया, पारिवारिक अनुशासन के लिए। तो इसमें पारिवारिक अनुशासन में दोनों चीज है, देखो तलाक वाले मुद्दे का भी कानून बना कि कैसे आप तलाक, इसमें जो धर्म का मामला था वो खत्म कर दिया। तलाक मतलब आप लोग अपनी स्वयं इच्छा से ले सकते हैं,
मतलब व्यक्ति अपने इच्छा से तलाक ले सकता है, उस पर जो धर्म का प्रभाव था या धर्म की जो आडंबर शामिल थे तलाक में, इस वजह से तलाक देने ऐसा करना वैसा करना, वो समाप्त कर दिया। मतलब कि इसने व्यक्ति के जीवन से धर्म को एक प्रकार से स्वतंत्र कर दिया था। और पारिवारिक ने संपत्ति पे भी क्या है इस अधिकार की बात कही, संपत्ति पे भी इस अधिकार की बात कही। इसने कहा कि जो परिवार का मुखिया है वो संपत्ति का वितरण करेगा, मतलब कि जो सब परिवार का मुखिया है वही संपत्ति का वितरण करेगा, किसे संपत्ति देना है किसे संपत्ति नहीं देना है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पारिवारिक विवाद बाद में उलझता वो उसको उसने कानून बना दिया, और कानून को अच्छे तरीके से केंद्रीकरण के द्वारा और सैन्य शासन के द्वारा उसने लागू किया। तो फ्रांस में क्या है, शांति की व्यवस्था बन गई, जिसे लोगों ने भी अच्छे से स्वीकार किया। इसलिए ये अपने जो विधि सुधार है इसके बारे में कहता है कि मेरे सुधार कहां पर रखे, ग्रेनाइट पर रखे। किस पे, ग्रेनाइट के पत्थर, ग्रेनाइट एक मूल्यवान पत्थर होता है। विधि सुधारों के बारे में कहता है नेपोलियन, कहता है कि मेरे विधि सुधार, क्योंकि वो कहता है कि फ्रांस की जनता मुझे 40 युद्धों के लिए याद नहीं रखेगी, वो मेरे द्वारा किए गए विधि सुधार के लिए मुझे याद रखेगी, क्योंकि मेरे विधि सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए हैं। क्योंकि ये ग्रेनाइट पर रखे इतने महत्वपूर्ण थे कि इसने फ्रांस में जो 10 वर्षों से या जो लगभग हजारों वर्षों से जो अव्यवस्था चली आ रही थी, जो जनता को समानता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जनता को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो नेपोलियन ने करके दी। और नेपोलियन ने जो नेपोलियन कोड या कानून कार्यान्वयन किया वो विश्व फ्रांस में बहुत बात तक चलते रहे, और उनको थोड़ी सुधारदार रूप में अभी भी उनको लागू या अपनाया गया है। इसने एक दिशा दी कि आप कानूनों को किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। तो विधि क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों के लिए वो कहता है कि मेरे विधि सुधार ग्रेनाइट पर रखे, है ना। तो उसने संविधान का निर्माण करवाया, केंद्रीकरण से शासन किया, नेपोलियन कोड फ्रांस की एक समान कानून की स्थापना करवाई, और पारिवारिक अनुशासन के लिए तलाक को धर्म से अलग कर दिए, और संपत्ति के लिए प्रधान प्रमुखों को नियुक्त किया कि वो अपने हिसाब से संपत्ति का वितरण कर सकता है। तो ये इसका क्या था, संवैधानिक सुधार था। आर्थिक सुधार में क्या किया, सबसे पहले सुधार तो उसने ये किया कि युद्ध से खर्च प्राप्त करता था, मतलब युद्ध से खर्च प्राप्त करता था। इसका मतलब ये था कि क्या था कि अगर ये जो युद्ध में पैसा खर्च हुआ, मान लो ये रूस युद्ध लड़ने गया, प्रसा युद्ध लड़ने गया, ऑस्ट्रिया युद्ध लड़ने गया, तो वहां पे जो इसकी सेना में, उसके संचालन में, उसके युद्ध में जो खर्चा हुआ वो वहीं से प्राप्त करता था। तो जनता पे जो पहले बोझ आता था, मतलब राजा पहले युद्ध लड़ते थे वो जनता पे कर बढ़ा के युद्ध का खर्चा वसूल करते थे, लेकिन इसने क्या किया, युद्ध से ही खर्चा प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नेपोलियन ने युद्ध का खर्च कहां से वसूल लिया, जिस देश में युद्ध लड़ा तो वहां से खर्च वसूल लिया। तो जनता पे जो बोझ था वो आर्थिक बोझ क्या हुआ, जनता पे कम हुआ, आर्थिक बोझ था जो जनता पे वो कम हुआ, इसीलिए जनता नेपोलियन को स्वीकार कर रही थी। दूसरे नंबर पर इसने क्या किया, कर व्यवस्था को उचित बनाया, मतलब कि उसने क्या किया कि जो कर अच्छे से दे सकता उसी से कर लिया, मतलब कठोरता तो थी, ऐसा नहीं कि आसानी से, लेकिन यह भी ध्यान रखता था कि इतनी कठोरता ना हो कि जिससे जनता को परेशानी हो, मतलब कि कठोरता तार के रूप से कठोर, मतलब कि इतना डर बनाए के रखता था कि सभी लोग जो दे सकते हैं वो तो कर दें, लेकिन जहां पर कोई दिक्कत है वहां पर यह कर व्यवस्था को माफ भी कर देता था। तो इसने कर व्यवस्था को उचित तरीके से लागू किया। साथ में इसने एक राष्ट्रीय बैंक ऑफ फ्रांस जो वर्तमान में भी है, बैंक ऑफ फ्रांस, इसकी स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इसने मुद्रा प्रणाली संचालित की इस बैंक ने, और साथ में वित्तीय नीति बनाई, वित्तीय नीति, मतलब नेपोलियन ने क्या किया, एक बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तो बैंक ने क्या किया, मुद्रा प्रणाली, मतलब कौन से नोट चले, किस प्रकार से मुद्रा का संचालन हो, वो सिस्टम किसने देखा, बैंक ऑफ फ्रांस ने। मतलब कि देखो अब फ्रांस कैसा हो गया, एक देश एक कानून चल रहा है, एक मुद्रा चल रही है, तो जो फ्रांस का जो क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई, और नेपोलियन ने ये काम अच्छा किया, तो लोग जनता आपस में जुड़ भी गई, और जनता को समानता ही प्राप्त हुई कि तुम्हारे अभी वही कानून है हमारे अभी, तो एक समान कानून हो गया, एक समान मुद्रा हो गई, एक बैंक हो गया, और ऐसी वित्तीय नीति अपनाई जिससे लोगों को कर में भी आसानी हो और उन पर जो वित्तीय बोझ था वो भी कम हो। तो मतलब अच्छा आर्थिक सुधार किए, इसीलिए नेपोलियन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखो इतिहास में उन्हीं राजाओं को याद रखा जाता है जिनने कुछ ऐसी पॉलिसी ऐसे काम किए जिससे जनता का फायदा हुआ, चाहे अशोक की देख ले शांति की नीति के तहत उसने साम्राज्य की, चाहे आप अकबर को देख लो उसने भी इस प्रकार की नीति अपनाई, युद्ध कम लड़े उसका साम्राज्य ज्यादा बढ़ा था, इसी प्रकार नेपोलियन, है ना, इसीलिए इनको याद रखा जाता है।
तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, वर्तमान में भी बैंक ऑफ फ्रांस है अभी, तो स्वरूप तो बदल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन है तो उसमें जो आइडियाज दिए उस पर जो चीजें परिवर्तित रूप में है, लेकिन है तो इसीलिए ये नेपोलियन की महानता को दर्शाता है। तो बैंक ऑफ फ्रांस है ना, मुद्रा प्रणाली, वित्त, ये सब चीजें इसके आर्थिक सुधार थे। शिक्षा प्रणाली में उसने क्या किया कि प्राथमिक स्तर पर, उच्च और माध्यमिक, तीनों स्तर है ना, इधर पे माध्यमिक, इधर उच्च, तीनों स्तर पर स्कूलों की स्थापना, स्कूलों की स्थापना मतलब कि प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर तीन स्कूल पे, तीनों स्तर के स्कूलों की स्थापना की, मतलब कि नेपोलियन ने शिक्षा पर जोर दिया है ना। साथ में उसने क्या किया, साथ में उसने एक चीज और की कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र किए, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब वो ये चाह रहा था कि जो बच्चों को पढ़ाए वो भी प्रशिक्षित हो। ये सबसे वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का जितना अच्छा प्रशिक्षण होगा, जितनी अच्छी कला शिक्षक जानेंगे पढ़ाने की, उतना अच्छा विद्यार्थियों का, उतना अच्छा बच्चों का, उतना अच्छा स्कूल का, उतना अच्छा देश का विकास हो पाएगा। तो इस शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई, अलग अलग स्तरों पर स्कूलों की स्थापना की गई। ये प्रमुख सुधार थे नेपोलियन की, जो राजा नहीं कर रहा था, जो क्रांति के समय पर नहीं हो पाए, लेकिन नेपोलियन ने किया। यही चीजें नेपोलियन को महान बनाती है। इसके बाद अगर धर्म की बात करें तो इसने क्या किया, देखो चर्च से समझौता तो कर लिया, चर्च से 1801 में एक समझौता कर लेता है नेपोलियन, 1801 में क्या कर लेता है, समझौता। अपन ने जैसा कि पहले देखा था, नेपोलियन ने चर्च से समझौता तो किया, लेकिन एक शर्त पे किया कि धर्म और राज अलग अलग तो रहेंगे, लेकिन राज्य की सत्ता, धर्म को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब कि पादरियों को नियुक्त तो राज्य करेगा, मतलब पादरी जो विभिन्न चर्च के जो पुजारी थे उनको नियुक्त नेपोलियन करेगा, लेकिन उनको प्रशिक्षित या शिक्षा देने का अधिकार किसके पास था, पोप का। पोप आपको याद रखना है कि ईसाइयों का धर्म प्रमुख पोप होता है, तो पोप उनको प्रशिक्षण देगा, नियुक्त कौन करेगा, नेपोलियन करेगा है ना। तो शिक्षकों को, तो नेपोलियन ने क्या किया कि मतलब उसने जो पोप है वो प्रशिक्षित करेंगे, और जो नेपोलियन है राजा है वो क्या करेगा, नियुक्त करेगा इनको पादरियों को। पादरी मतलब पूजा करने वाले, चर्च में पूजा करने वाले, पोप एक धार्मिक प्रमुख बड़े स्तर पर, और उनके अंडर में कई पादरी होते हैं। तो इस चीज को किया, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज कर दी कि जो क्रांति चाह रही थी, कि जो क्रांति चाह रही थी कि धर्म और राज अलग अलग हो, लेकिन इसने एक प्रकार से धर्म और राज को जोड़ दिया, इसीलिए इस स्तर पर भी इसको क्रांति का हत्या, क्रांति की हत्या करने वाला बोला जाता है। ये सब इतिहासकारों ने प्रयोग किए हैं बाद में उसका एनालिसिस करके, मतलब कि जिस वजह से उसको सत्ता प्राप्त हुई उन्हीं चीजों को उसने नष्ट कर दिया, इसीलिए उसको क्रांति का हत्या बोला गया। तो शिक्षा के आधार पर अपन ने देख लिया, तीन स्तरों पर स्कूलों की स्थापना की, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया, चर्च से समझौता कर लिया, लेकिन चर्च को राज्य के अंडर में तो रखा लेकिन समझौता कर लिया, जिससे जो क्रांति के बाद जो पादरी और पुजारी लोग जो भागे थे वो वापस फ्रांस में आ गए है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस में जो बाद में जो फ्रांस की थोड़ी सी सम्मान गिरा हुआ था पादरी और पोप की वजह से, वो थोड़ी सा वापस आ गया। तो ये जो प्रमुख सुधार थे इसने क्या किया, नेपोलियन को महान बनाया। तो आपको तीन चार इसके देखो, विधि सुधार को याद रखना है कि एक समान कानून बनाया, उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जिसने आर्थिक एकता लाई, और उसने एक शैक्षिक स्थिरता और धार्मिक एकता या धार्मिक नियंत्रण भी रखा। तो यही देश के लिए महत्वपूर्ण होता है कि एक देश में एक समान कानून होना चाहिए जिससे अच्छे तरीके से न्याय प्राप्त हो सके, एक मजबूत आर्थिक प्रणाली हो सके जिससे लोगों को विकास करने का मौका मिल सके, और एक आधुनिक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जिससे बच्चों का या देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसीलिए नेपोलियन को महान माना जाता है। अब अपन नेपोलियन की अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब अपन बात कर लेते कि नेपोलियन का पतन कैसे हुआ और किन चीजों पर उसको क्रांति का हंता बोला जाता है। तो फ्रांस में जो नेपोलियन था उसके पतन के प्रमुख पांच कारण कौन कौन से हैं कि युद्धों की बारंबारता, क्योंकि युद्धों की बारंबारता देख रहे क्या है, महाद्वीपीय व्यवस्था जो अपन ने समझ चुके हैं कि इंग्लैंड को घेरने के लिए की गई थी वो विफल हो गई इसलिए उसने बर्बाद कर दिया, नौसेना की कमजोरी क्योंकि बिना यूरोप में अगर आप राज करना चाहते हैं या विश्व स्तर पर आप राज करना चाहते हैं तो नौसेना मजबूत होनी चाहिए, लेकिन नेपोलियन की नौसेना कमजोर थी। स्पेन का नाश, स्पेन में क्या हुआ कि जब इसमें स्पेन को अपने अंडर में लिया, वहां पर अपने भाई को शासक बनाया, तो इससे वहां की जनता प्रभावित हुई और स्पेन की वजह से पुर्तगाल इसका दुश्मन बन गया, और स्पेन पुर्तगाल और इंग्लैंड ने मिलकर इसको पराजित करने की योजना बना दी। मतलब स्पेन की वजह से बहुत सारे देश इसके विरोध में आ गए, और अंतर विरोधी का इसका मतलब ये है कि एक जगह वो किसी का सहयोग लेना चाहता है,
वैसे धर्म को अलग भी रखना चाहता है और पोप का सहयोग भी लेना चाहता है ना। उसी प्रकार महाद्वीप व्यवस्था के तहत इंग्लैंड को अलग भी रखना चाहता है, इंग्लैंड के साथ भी जाना चाहता है ना। और उसने युद्धों की बारंबार समय अपन देखें तो लगभग उसने 40 युद्ध लड़े। तो इस युद्ध लड़ना उसकी राजनीतिक क्या थी, राजनीतिक मजबूरी थी। राजनीतिक क्या थी, मजबूरी, मतलब मजबूरी है ना। तो क्या था कि नेपोलियन युद्ध की वजह से फ्रांस का शासक बना था, युद्ध की वजह से फ्रांस का महान सम्राट रहा, युद्ध की वजह से वो कार्य कर पाया। तो ये तो उसकी जरूरत थी, राजनीतिक जरूरत थी, मतलब उसको सत्ता में रहना है, क्योंकि वो किसी राजवंश का व्यक्ति नहीं था। वो खुद कहता है कि मैं जन्मजात राजा नहीं हूं, मैं अपने युद्धों के बल पर राजा बना हूं या अपने तलवार के बल पर राजा बना हूं और इसी के बल पर सत्ता पे कायम रह सकता हूं, इसलिए मेरी युद्ध क्या है, राजनीतिक मजबूरी है। तो युद्धों की बारंबारता ने, क्योंकि आप, क्योंकि शक्ति के बल पर आप ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते, इस वजह से इसकी दुश्मन बनती गई और युद्धों की बारंबारता ने इसको पराजित कर दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था, इंग्लैंड के बारे में उसने, इंग्लैंड को उसने कमजोर समझा है ना, क्योंकि वो समझ रहा था कि इंग्लैंड जो इतना विशाल है, इतना आर्थिक धनी है, इतना समृद्ध देश है, वो यूरोप के साथ जो उसके संबंध है, ऑस्ट्रिया के साथ, स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ, प्रसा के साथ, उस वजह से। लेकिन इंग्लैंड की समृद्धि का कारण उसके उपनिवेश थे, जो एशिया में थे, अफ्रीका में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, न्यूजीलैंड में थे, उन वजह से इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड तत्कालीन समय की विश्व शक्ति था। जब नेपोलियन शासन कर रहा था तो आप विश्व शक्ति को ऐसे चुनौती नहीं दे सकते। विश्व शक्ति को चुनौती देने की किसने योजना बनाई, किसने, नेपोलियन ने, लेकिन किसके साथ, अंतर विरोधी कार्यों के साथ, कि उसको सहयोग भी चाहिए है ना, और नाकाबंदी भी करनी है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो जो उसके अंतर विरोधी कार्य थे, उसने नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीप व्यवस्था, जिसमें इंग्लैंड को कमजोर रखना और विश्व शक्ति को डायरेक्ट चुनौती देना, जबकि वो खुद उतना शक्तिशाली नहीं था, इन सारे कारणों ने, और नौसेना का कमजोर होना, स्पेन का नासूर, स्पेन ने उसको क्या किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, क्योंकि अन्य देशों को उसका दुश्मन बना दिया, जैसे पुर्तगाल और इंग्लैंड बहुत बड़े इसके दुश्मन बन गया, और साथ में उनका गठबंधन हो गया, तो उन तीन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया। तो 1815 में क्या होता है, वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू का युद्ध, लगभग इसके विरुद्ध में 4-5 देश लड़ते हैं, इसमें नेपोलियन पराजित हो जाता है ना, और उसे सेंट हेलेना एक द्वीप है, उस पर सेंट हेलेना द्वीप, वहां भेज दिया जाता है, जहां इसकी 4-5 साल बाद मृत्यु हो जाती है। तो नेपोलियन की शुरुआत जो फ्रांस की क्रांति से हुई थी, लेकिन उसने 1799 में सत्ता संभाली, वह 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हो जाता है, फिर उसको निष्कासित करके सेंट हेलेना द्वीप भेजा जाता है, और यूरोप से, फ्रांस से, विश्व से नेपोलियन की कहानी समाप्त हो जाती है। यही नेपोलियन था, इसके बारे में अपन ने जाना। अब अपन देख लेते हैं कि वो कहां पे क्रांति का हंता ठहरता है, कहां पे वो शिशु ठहरता है, मतलब क्रांति में किन, देखो शिशु तो मतलब क्रांति के कारण जो अपन ने उदय की परिस्थितियां हैं, वो ही क्या है, आपसे पूछा जा कि क्रांति का शिशु, देखो क्रांति का शिशु, क्रांति का शिशु और क्रांति का हंता, क्रांति का हंता मतलब क्रांति को कहां कहां नेपोलियन के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। तो शिशु के मामले में जो उदय की परिस्थितियां हैं, वो उदय की परिस्थितियां क्या है, देखो अव्यवस्था की वजह से नेपोलियन आ पाया है ना, भ्रष्टाचार की वजह से है ना, दंगों की वजह से है ना, ये सब क्या थी, जो उदय की परिस्थितियां थी, इसने ही, मतलब अगर ये ना होती तो नेपोलियन को सैनिक से, ब्रिगेडियर से, फिर सम्राट बनने का मौका ना मिलता। लेकिन क्रांति की अव्यवस्था ने, भ्रष्टाचार ने, दंगों ने, और जो जनता परेशान थी फ्रांस ने, उसको मौका दिया कि नेपोलियन जैसा सामान्य व्यक्ति जो सैनिक से क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट, इसीलिए इसको क्रांति का शिशु, मतलब नेपोलियन को बनाने में क्रांति का हंता तो इस परिस्थिति से था। अब हंता कहां पर ठहरता है, देखो सबसे पहले तो जो हंता वो ठहरता है, अपन ने कहां पर देखा था, सबसे पहले वो हंता यहां पर ठहरता है कि उसने क्या किया, कि सबसे पहले तो अपन ने देखा कि उसने चर्च से समझौता कर लिया, क्योंकि देखो क्रांति के लोग चाह रहे थे कि चर्च से समझौता ना हो, धर्म और राज्य अलग अलग रहे, धर्म राज्य के नियंत्रण में धर्म रहे, रहा तो, लेकिन उसने राज्य की सत्ता भी स्वीकार कर ली, राज्य को भी थोड़ी सा
मौका दिया कि वो मतलब कि राज प्रशासन में शामिल हो सके, तो इस वजह से यहाँ पे उसने क्रांति के जो विचार उसको नष्ट कर दिए। दूसरा, जब उसने 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित किया तो उसने जो राजतंत्र को समाप्त करने वाली बात थी उस पर भी चोट की, मतलब क्रांति चाह रही थी कि राजतंत्र समाप्त हो, लेकिन इसने फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया, तो यहाँ पे भी उसने क्रांति का विचार मार दिया, इसलिए क्रांति का हंता कहा गया, है ना। और साथ में उसने क्या किया कि महिलाओं के लिए ना शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा में कोई अधिकार नहीं थी, महिला शिक्षा की बात नहीं की, महिलाओं की शिक्षा पर बात नहीं की। तो समानता कैसे आई, आप ये बताओ कि फ्रांस के एक समाज में जहां पे महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वहां पे समानता कैसे स्थापित होगी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए थी। तो अपन ने नेपोलियन के बारे में देख लिया, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस फैजान जी के साथ। नमस्कार दोस्तों।